पड़ रही है, जो लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। हवाई यात्रा करने वाले यात्री परेशान हैं, सड़क मार्ग पर आवागमन भी बाधित हो चुका है, ठंड से लोग घरों में दुबके हैं। झारखंड में सितंबर सर्दी कहर बरपा रही है, जो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। लोगों का जीना दुश्वार है तो विमानों पर भी मौसम की मार है। रांची में दूसरे दिन भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। गुरुवार को कोहरे की वजह से 19 विमानों को रद्द कर दिया गया था, तो आज भी 20 विमानों की उड़ानें रद्द हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। 3 दिन पहले बैंगलोर से आए थे, रांची आके यहाँ से जमशेदपुर गए थे, हमारा एक कॉन्फ्रेंस था वहाँ पे, वो हो गया। हमको आज सुबह में यहाँ से निकलना था, तो हमारी फ़्लाइट थी 8:30 की थी फ़्लाइट, उसको बुक किया था। 6:30 को मैसेज आया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर हमने 12 बजे एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट दिखा रही थी, उसको बुक किया, वो भी कन्फर्म हो गई, बट अभी वो भी मैसेज आ गया कि कैंसिल हो गई है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि एयर एशिया, मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस से थी और कल 17th को थी। पहले तो 12 बजे दिन में मैं एयरपोर्ट आ भी गई थी और तब जाके कैंसिल हुई फ़्लाइट, तब तक कैंसिल भी नहीं हुई थी। और मेरे साथ 2 साल का एक बच्चा है, तो बार बार उसके साथ आना, बैग्स के साथ आना। कोहरे की वजह से सिर्फ हवाई यात्रा ही नहीं, सड़कों पर आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। इसका असर खूंटी में तब नजर आया जब कोहरे की वजह से वाहन सड़क के किनारे पलट गया, हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई। इधर सिमडेगा में कोहरे के साथ काले बादलों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शीतलहर के बीच बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। लोहरदगा में कड़ाके की सर्दी पड़ी है, जिससे सड़कें सुनसान सी लग रही हैं। सुबह कड़ाके की सर्दी में सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चे ही नजर आ रहे हैं, जबकि लोग घरों में दुबकना पसंद कर रहे हैं। ठंड तो इतना कड़ाके ठंड पड़ रही है कि लोग मजदूर घर से बाहर नहीं निकल रहा और मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, बस समस्या है गरीब आदमी को इस ठंड से। झारखंड में सर्दी सितम ढा रही है, ऐसे में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कभी कभी सूर्य देव के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन ठंड से निजात नहीं मिल पा रही है।